पैदा जाएगा, पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, और पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेजे पे करबला का जमींदार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेजे पे करबला का जमींदार जाएगा। हजरत वक्त नहीं है, वरना मैं आगे का प्रोग्राम और करता इंशाल्लाह हजरत की तकरीर के बाद। इंशाल्लाह जो यहाँ का माहौल रहता है और जिस मिजाज के साथ मैं यहाँ रहता हूँ वो मिजाज दिखाऊंगा, लेकिन इस वक्त मिजाज देखने का काम है, क्योंकि पहली बार हमारे दरमियान आए हैं। ज्यादा देर तक हजरत को स्टेज पे बैठाना ये अच्छी बात नहीं है। मैं बिना किसी ताखीर के खतीब आज़म हिंदुस्तान नाशिर मसलक आला हजरत हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह अली साहब के हवाले माइक कर रहा हूँ। पूरा मजमा झूम कर नारा लगाइए, हजरत से मुलाकात कीजिए, और हजरत के बाद शायर इस्लाम हजरत आफ्ताब आलम दयाली साहब को भी सुनने के लिए आप तैयार रहिएगा। उनके बाद एक और खतीब है, सबको इंशाल्लाह सुनना है। ये जलसा कामयाबी के साथ, वैसे भी इस इलाके में जितने जलसे होते हैं सब जलसे कामयाब होते हैं, और कामयाब क्यों नहीं होंगे? कामयाब इसलिए होता है कि जलसा हम नबी के नाम का करते हैं, हुसैन के नाम का करते हैं, औलिया किराम के नाम का करते हैं। झूम पे नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फसलके आला हजरत, पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحۃ لروح نبی المصطفیٰ وعلی آلہ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غوث اعظم بمڑے بے سر و ساما مدد، قبلے بھی مدد، کعبہ نما مدد، ما گدائیم تو سلطان دوالم، ہستی استو داریم تمنا شہ جیلا مدد، صدقے مفتی اعظم تو شہ تیری کے ساتھ، بطفیل مظہری ہو قدم اور اتفاق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمين، بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ولله الحمد على جزيل المواهب والمنن، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في السر والعلن، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ونور النبي ابها واحسن۔ معاشر الحاضرین، اعلموا ان الدنيا دار الاقدار والحزن، ودار المصائب والفتن، ودار قصرت كسرا غدرت بالحسين والحسن، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، اعوذ بالله صدق الله العظيم۔ جن جن لوگوں کو درود پاک یاد ہے پوری ایمانداری کے ساتھ زور سے درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، درود و سلام علی نبی داری کے سنن صلوات و سلام۔ فضول برکت کے لیے نبی آل نبی پر ایک بار اور باواز بلند پڑھیں، اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعظم الجود والكرم وعليه بارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله۔ حضرات، اسٹیج پر بہت بڑے شاعر جناب آفتاب غیابی صاحب موجود ہیں، حالانکہ زمزم صاحب کہہ رہے تھے کہ آفتاب رات کو نظر نہیں آتا،
हिंदुस्तान में नजर नहीं आता मगर वेस्ट इंडीज में नजर आता बेशक। आफ्ताब अगर नहीं निकलेगा तो चांद नजर ही नहीं आएगा। अल्लाह का शुक्र है मसलके आला हजरत के आफ्ताबो महताब हैं सब, जिनके लिए आसमान की ऊंचाई कोई जरूरी नहीं है। फर्श पर रह के अर्श का मिजाज अल्लाह ने लोगों को अदा फरमा दिया है। बड़े बड़े शायर हैं, मैं एक बार और दूर पाक पढ़िए तो मैं याद करूं शेर। देखिए आफ्ताब भाई के, बुलंद करते हैं रुतबे दरूद पढ़ पढ़ कर, बुलंद करते हैं रुतबे दरूद पढ़ पढ़ कर, खुदा के मुत्तकी बंदे दरूद पढ़ पढ़ कर, शजर के पत्ते नबी पर सलाम पढ़ते हैं, शजर के पत्ते नबी पर सलाम पढ़ते हैं, चटकते रहते हैं गुंचे दरूद पढ़ पढ़ कर, परेशान हाल रखा था जिन्हें हरी ने नहीं। अब शेर सुनिए, परेशान हाल रखा था जिन्हें गरीबी ने, चले गए वो मदीने दरूद पढ़ते, चले गए वो मदीने दरूद पढ़ते। ठीक है, वरना ये तो सब शायरों के लिए मुर्गियों को मिलता कहाँ है, ये तो रहमत है जो बाकड़ा में मिल रहा है भाई। अल्लाह बरकत दे आप लोगों को। मैं उर्दू में एक शेर सुना रहा हूँ, अरबी में सुभान अल्लाह करिए गाते हैं, क्योंकि बड़े शायर बैठे हैं इसलिए शेर बहुत खोज के निकालना पड़ रहा है। देखें आफ्ताब साहब, जमजम साहब के इमाम साहब अल्लामा दाऊद साहब, इनकी तरह अगर मुझको आवाज मिल जाए तो मैं हिंदुस्तान के पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाऊंगा। शेर सुने के, ताहिरो अतहर मुअत्तर करबला की रेत पर, ताहिरो अतहर मुअत्तर करबला की रेत पर, फूल बिखरे हैं 72 करबला की रेत पर, ताहिरो अतहर एक बार जरा या हुसैन कह दे, ताहिरो अतहर मुअत्तर करबला की रेत पर, फूल बिखरे हैं 72 करबला की रेत पर, और एक इशारे की जरूरत थी मेरे शब्बीर की, एक इशारे की जरूरत थी मेरे शब्बीर की, दौड़ कर आता समंदर करबला की, आजकल बहुत कुछ चर्चा है एनआरसी और क्या क्या अगड़म बगड़म का, समझे, चार मिसरे उसके लिए सुन ली थी, वो एनआरसी वगैरह के चक्कर में हम नहीं रहते, क्या करना है हमें वो चार मिसरे सुन ली के, सुनियो जिक्र शहीद करबला करते रहो, हर आदमी को शामिल होना है इसमें, सुनियों जिक्रे शहीदे करबला करते रहो, दूर अपने घर से हर रंजो बला करते रहो, मिसले करबल आज भी तुम ना रहे तकबीर से, हलके बातिल में बरपा जलजला करते रहो,
ملکہ باطل میں برپا زلزلہ کرتے رہو. مائک کی آواز اب ٹھیک کرو تو, یا تو اس کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہو, اس کو بند کر دیجیے. کس کی بیٹری ڈاؤن ہے کس کی ٹھیک ہے. ہاں آفتاب بھائی, ہم کو لوگ بار بار پوچھ رہے تھے, راستے میں رات کو بلیاوی صاحب کا فون آیا تھا, یہ این آر سی کے بارے میں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ کلکتہ گولما. ہم نے کہا یہ سب چکر میں بھی ہم پڑے نہیں ہیں. بولا کیوں؟ بولا ہم تو بچپن سے این آر سی لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. بولا کیا مطلب؟ بولا کہ این آر سی کا پتا نہیں فل فارم آپ لوگ کیا نکالے ہیں, مگر ہم جو نکالے ہیں وہ ایک دم ٹھیک ہے. بولا کیا؟ بولا این آر سی, نجدیوں سے بچتے رہو, رضا سے لگے رہو, چشتی مزاج بنا کے رہو. جی لگائیے گا, میں کچھ بولا. اصل یہ آج کی رات آرام کی رات تھی, مگر زمزم صاحب نے کہا میں ہوں, تو جانتے ہیں زمزم کے احترام میں تو ہر ایک کو کھڑا ہو جانا پڑتا ہے. اب میں علامہ داؤد صاحب کی طرح تو آواز لاؤں گا نہیں, میں دھیرے دھیرے تقریر کر رہا ہوں, بوڑھا بھی ہو گیا ہوں, دیکھنے میں نہیں لگتا ہوں, دیکھنے میں نہیں لگتا ہوں, لیکن میری ابھی ریٹائرمنٹ کی عمر ہو گئی. میرے خیال سے باگڑا نئی بستی بسی ہے نا, تو آپ لوگ بکری وکری دیکھیں کہ نہیں دیکھیں, بکری خسی سب دیکھیں کہ نہیں ہے بھی, بکری خسی رکھے بھی ہوں گے دیکھے بھی ہوں گے, مگر اس کی تاریخ آپ کو معلوم نہیں ہوگی. بکری کی حیثیت کیا ہے, خسی کی بکرے کی تاریخ کیا نہیں معلوم ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پوری دنیا میں طوفان نوح کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بکریاں یا بکرے پیدا ہوئے ان کا صرف ایک کلر, سادہ سفید, وائٹ, نہ لال نہ کالا نہ چھکبرا کچھ ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. بہت غور سے سنیے, ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دن بھر جنگل میں بکریوں کو چرانے کے بعد شام کو تالاب پر پانی پلاتے پلاتے سوچ رہے ہیں کہ اللہ تیری ہر مخلوق میں حسن رنگ پایا جاتا ہے, مگر تیری مخلوق ہے بکری, اس میں ایک ہی رنگ کی, ہر مخلوق میں جیسے مختلف رنگ ہے اسی طرح اس میں بھی مختلف رنگ ہونا چاہیے. ایک دماغ کی بات تھی, آئی گئی چلی گئی, مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ایک کام, جس تالاب پہ روزانہ پانی پلاتے تھے اس تالاب کے کنارے کنارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مختلف رنگ کے کپڑے لگا دیے, کہیں لال کہیں کالا کہیں سفید. بکریوں کے پیٹ میں بچے تھے, اب یہ بکریاں دن بھر گھاس چرنے کے بعد اس تالاب پر جب پانی پیتی تھی اور پانی پینے کے بعد سر اٹھاتی تھی تو انہیں رنگین کپڑوں پر بکریوں کی نظر پڑتی تھی. جب بکریوں کے بچہ جننے کا پیدا کرنے کا وقت آیا کہ دنیا والوں نے پہلی بار یہ منظر دیکھا کہ آج جو بکریوں نے بچہ دیا ہے کوئی لال ہے کوئی کالا ہے کوئی چٹکبرا ہے کوئی سفید ہے. میں نے حیرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا, اے عیسیٰ روح اللہ, آج تک ایسا نہیں ہوا کہ بکریوں نے جو بچہ دیا ہو اس میں کوئی رنگ ہو, مگر پہلی بار آپ کی چرائی ہی بکریوں میں اتنے رنگ کیسے آ گئے؟ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے کہا, نادان تمہیں معلوم نہیں
कि माँ जब पेट में बच्चा रखकर जिस चीज को देखती है बच्चा वही मिजाज लेकर पैदा होता है, वही रंग लेकर पैदा होता है, वही सिफत लेकर पैदा होता है, वही खसरत लेकर पैदा होता है, वही किरदार लेकर पैदा होता है। अब बिला मोबाइल का कहने दो बाकड़ा वालों कि जब हजरत ईसा की बकरियां पेट में बच्चा रखकर मुख्तलिफ रंगों के कपड़े देख रही थी तो बच्चों का रंग भी अलग अलग हो रहा था। मदीने में सैयदा फातिमा के शिकम में हजरत इमाम हुसैन थे, फातिमा नबी का सजदा देख रही है, अबू बकर की सदाकत देख रही है, उमर की अदालत देख रही है, उस्मान की सखावत देख रही है, अली की शुजाअत देख रही है। अब जब हुसैन पैदा हुआ तो जमाने ने देखा कि एक बच्चा है मगर इस्लाम कह रहा है सदाकत यही है, अदालत यही है, यही है, मुस्तफा की शरीयत यही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हसनए आला हजरत, अज़मत ए हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या हुसैन के लिए, या हुसैन, मैं थका नहीं हूँ, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ मुझको क्या बोल रहा हूँ, क्या आप तक पहुंच पाएगा मेरी तरफ से, मैं उसको चुन रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी समाप्त तक पहुंचू। हुसैन हुसैन, आजकल एक जमात हुई है जो कहती है कि हुसैन को हक वाला मत कहो, यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहो। एक जमात पैदा हो गई है, बहुत तेजी से यह जमात फैलने वाली है। एक आदमी हमको पकड़ के खाने लगा, मोहान साहब देख रहे हो यजीद को रहमतुल्लाह ने, बोला बोले तो बोला आपके मुंह से ऐसी बात अच्छी नहीं लगती। मैं क्यों अच्छी नहीं लगती है, हर बेटा को हक है कि अपने बाप की तारीफ करे, जो यजीद की औलाद है यजीद की तारीफ करे, जो हुसैन का है हुसैन की तारीफ। वो क्या जाने हुसैन किसका नाम है, आज तक तो हुसैन का नाम नहीं समझ सका, जात कहां से। दो मिनट पढ़िएगा हमारे साथ स्कूल में, दो मिनट पढ़िएगा हमारे साथ मदरसा में, जी जी पढ़िए, एक बार बोलिए हुसैन, नहीं मजा नहीं आ रहा, हुसैन जरा मोहब्बत से बोलिए हुसैन, अखाड़ा वाले स्टाइल में नहीं, मजहबी स्टाइल में। हुसैन पढ़िए मेरे साथ, इमाम साहब भी हैं बड़े बड़े उलमा कराम, मैं तो कादिम हूँ इन बुजुर्गों का। तो हुसैन के नाम में अफ्ताब भाई कह हरफ है, कह हरफ है बोले, चार मदरसे में पढ़िए, पहला हर बड़ी है, दूसरा हर सीन छोटी सीन, तीसरा हर ये, चौथा हर नून। आज तक बदबख्तों को हुसैन का नाम नहीं समझ में आया, हुसैन का काम समझ में आएगा। कौन है हुसैन, किसका हुसैन, कैसा हुसैन, कहां का हुसैन, मूड बनाइएगा। चलिए नाने हुसैन से पूछे, आफ्ताब भाई हुसैन कौन हो, हुसैन कौन है, तो पहले हर भे ने कहा हक और हकानियत वाला हुसैन। मेरी वापस से बोलिए, हमने कहा ए सीन तू बता कौन हुसैन, कर सकते में सर कटाने वाला हुसैन। हमने कहा ये तू बता कौन हुसैन, कयादे खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन। हमने कहा नून तू बता कौन हुसैन, का नाना की उम्मत को जन्नत में ले जाने वाला हुसैन। ये हुसैन, अब जब हुसैन को समझ गया तो जरा हुसैन की जात को भी समझ गया। मैं बहुत पढ़ा कम पढ़ा लिखा हूँ मगर बात बहुत कायदे की कर रहा है। एक जगह तकरीर कर रहा था, ग्यारहवीं शरीफ का शायद मोहिना रहा होगा, गौसे पाक तकरीर कर रहा हूँ मैं, गौसे पाक, गौसे पाक, मिलाद खत्म हो गई, चले अपने घर की तरफ, बीच में तो बदअकीदा पकड़ लिया, मौलाना एकदम उपद्रव मचा दिया आप लोगों ने, कहा हुआ था
बोला आज तक तो तीन ही पाक सुने थे, अल्लाह पाक, रसूल पाक, कुरान पाक। और आप लोग तो जब उपद्रव मचाए बोले तो हुआ क्या? बोला गौस पाक, खाजा पाक, हुसैन पाक, सब कहां से ले आया? हमने कहा अगर 2 मिनट का टाइम दो ना तो तुमको हम समझा दें पाक। 2 मिनट का टाइम तो समझा दे तुमको। बोला है कुर्सी ठीक, बैठ बैठ गया। हमने कहा जो जूता पहना है पाक है कि ना पाक? बोला पाक। बोला मौसा? बोला ये भी पाक। बोला फुल पैंट का पाक? बोला अंदर जो चड्डी है वो? बोला वो भी पाक। बोला शर्ट? बोला ये भी पाक। बोला अंदर जो गंजी है वो? बोला वो भी पाक। बोले तुमसे बनिया ना हमारे? बोला क्या मतलब? बोले यहाँ खाजा पाक, बॉस पाक, हुसैन पाक, अली पाक, तुम रहे यहाँ तो जूता पाक, मोजा पाक, गंजी पाक, 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 समझता है सबको एक घंटा से हार गया। आसान है, आसान है, समझो हुसैन कौन है? मस्जिद नबवी है, मेरे नबी है, अकेले है, तने तनहा, बड़ी बेकरारी से मस्जिद नबी में चल। सुनिए मूड बनाई गया, चल टहलते टहलते कभी रुक कर पंजों के बल खड़ा हो जाते हैं और मस्जिद नबी से बाहर देख रहे हैं, पता नहीं क्या मामला है। अचानक हुजूर की चची हजरत अब्बास की अहलिया सैयदा उम्मुल फजल आ गई। क्या यार रसूल अल्लाह इतनी बेकरारी क्यों? का उम्मुल फजल बहुत मौके पे आई हो आप? ना क्या मतलब? कहा मेरा इल्म कह रहा है कि आज मेरी बेटी फातिमा के घर एक बेटा पैदा हो रहा है, मगर मैं बाप हूँ, फातिमा बेटी है। बाप होकर बेटी से कैसे पूछूं कि बेटी तुम्हारा क्या हाल है? शर्मा रही है। ए उम्मुल फज़ल तुम औरत हो, मेरी बेटी फातिमा भी औरत है। जरा औरत की जबान में औरत से बात करके आओ ना, वो बच्चा कब होगा? समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को? अगर भारी हो तो बोलिएगा, हम जल्दी से हल्का करेंगे। बर्फ लगा हुआ है, पिला पिघला देंगे, हल्का हो जाएगा। सैयदा फातिमा के घर में कदम रखा, आंख उठाई तो हैरत से तक रही है कि सैयदा फातिमा के गोद में इनके पहुंचने से पहले एक बड़ा खूबसूरत बच्चा खेल रहा। जिंदा रहिए, जिंदा रहिए, जुबान ना बोलकर। और आफ्ताब भाई आपके लिए उर्दू बोल दू, सैयदा फातिमा की गोद में ये लड़का ऐसा लग रहा है जैसे ताके हरम पर किसी ने तकद्दुस की शमा रोशन कर दी है। इतना खूबसूरत ये बच्चा है। हजरत उम्मुल फज़ल ने आंखों को मला, कहा बेटी ये बेटा कब हुआ? सैयदा फातिमा ने मुस्कुरा के कहा दादी जान चंद सेकंड पहले। औरत ने औरत को औरत की नजर से देखा, हर बात बताई नहीं जाती, कुछ बात समझिए, कुछ बात समझिए। औरत ने औरत को औरत की नजर से देखा, सर ऐसे ही लाते, नहीं बेटी आज से पहले मैं भी माँ बन चुकी हूँ, मैं जानती हूँ कि एक औरत माँ बनती है तो किन किन मरहलों से गुजरना पड़ता है, किन किन मंजिलों से गुजरना पड़ता है। आप क्या कहती है, मुझको कुछ नहीं मालूम, मेरे पेट में दर्द का एहसास हुआ, मैंने बर्दाश्त को आंखें बंद की और आंखें खोली तो मेरा लखते जिगर, मेरा बेटा पड़ा था, मैंने उठाकर अपने सीने पे रखा। क्या बेटी ये कैसे हो सकता है? औरत बच्चा जने तो जरूरी है कि कुछ गंदगी आए, अगर वो गंदगी ना आए तो खुशकी की बुनियाद पर बच्चा पैदा नहीं होगा। कहे दादी जान मैं कुछ नहीं जानती, बस ये बच्चा हो गया। सैयदा उम्मुल फज़ल दौड़ी दौड़ी पहुंची, कहा या रसूल अल्लाह गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला आज आपकी बेटी फातिमा ने एक बेटे को जन्म दिया मगर वो औरतों से बगावत किए बैठी है। बोला हुआ क्या? बोला आज बेटी की बेटी को बेटा पैदा हुआ मगर औरतों की फितरत के मुताबिक न खून है न पानी है कुछ नहीं, ये बेटा हुआ कैसे? न पहले पानी न बाद में पानी,
तब मेरे नबी ने टहलते हुए मस्जिद नबी के क्यारी से फूल की डाली तोड़ी। फूल की डाली तोड़ कर का उम्मुल फजल बताना, क्या इस फूल की डाली पर जब फूल खिलेगा तो पहले भी पानी का कतरा टपकेगा, बाद में भी पानी का कतरा टपकेगा? क्या नहीं आ रसूल अल्लाह, नजर देखती रहती है शाखे गुल पे, गुलों का तबस्सुम नजर आ जाता है, न पहले पानी न बाद में पानी। तब मेरे नबी ने कहा अब फैसला करना तो आसान हो गया कि जब दुनिया में फूल की डाली पर फूल खिले, न पहले पानी न बाद में पानी, आज तो जन्नत की डाली पर फूल खिल गया है, आज पानी कैसे होगा? कर दो, मुस्तफा भी पाक है, अली भी पाक है, फातिमा भी पाक है, और आने वाला हुसैन भी पाक है। जो नाती को नहीं समझ सका वो बकलोल नाना को का समझे? क्या होता भाई, जो आज तक नाती को नहीं समझ सका वो नाना को समझेगा? नाती का तो ये हाल है, तवज्जो दीजिए, नाती का तो ये हाल है इमाम साहब के जुल्म हते शब की ये खाही से अंधेरा हो जाए। नाती का हाल देखिएगा, जुल्मते शब की ये खाही से अंधेरा हो जाए, और शब्बीर ये कहते हैं सवेरा हो जाए। और ऐसा नाती किसी नाना को मिला हो तो बता, जो चिरागों को बुझा दे तो उजाला हो जाए, चिरागों को बुझा दे तो उजाला हो जाए। इतना आसान नहीं है हुसैन को समझना, हुसैन को समझने के लिए कुछ रंग अपने ऊपर चढ़ाना होगा, रंग चढ़ाना होगा ना, कैसे कैसे रंग चढ़ाओ, मेकअप करके? पहले 15 रुपया में हजामत बनती थी, अब 150 रुपया में हजामत बनवा रहे, पैसा दे के मुसलमान हजामत बनवा रहा है। पैसा दे के बनवा रहे, इन चक्करों मत रहो, जमाना तेरी हजामत बना रहा है। रंग चढ़ाओ हुसैन को। अब्ता भाई आप गवाह हैं, आपको मालूम होगा 2009 में मेरा पांव टूटा था, शायद 9 में, ये पांव साफ, साल भर तक कहीं गए नहीं, स्टील पे थे, अल्लाह का फजल आप लोगों की जो दुआएं अब सब ठीक है, बहुत सलीके से उठता बैठता, सिर्फ दौड़ नहीं पा रहा, और दौड़ने की जरूरत क्या है, दौड़ने की जरूरत क्या है? एक आदमी हाँफता कांपता बड़ा सा कटोरा लेकर प्याला लेकर घर पहुंचा, हाँफता कांपता बड़ा सा प्याला लेकर, बेगम खड़ी होके बोला ये कप कहाँ से लिए? बोला दौड़ने में फर्स्ट आए। बोले प्याला कहाँ मिला? बोला दौड़ने में फर्स्ट आए। बोला सेकंड में कहा पुलिस वाला, कहा थर्ड पे कहा प्याला वाला, तो चुरा के भागा था। तो दौड़ने की जरूरत क्या, रंग चढ़ाया। एक्सीडेंट हुआ, मैं कहीं गया नहीं, मटिया पुलिस वालों को मालूम हो गया कि मौलवी कलकत्ता में है, कलकत्ते में रहकर भी ऐसे ऐसे बुजुर्गों से मुद्दतों बाद मुलाकात हो रही, फुर्सत नहीं मिल पा रही। जब मटिया ब्रुज वालों को मालूम हुआ तो बोले कि एम्बुलेंस में आना होगा, मगर आके तकलीर करनी होगी, मजबूरन मरता क्या ना करता, कह रामनगर लाइन पहुंचे ना, रामनगर लाइन, वहां एक लाइन से 10-12 ठो ठहराम रखा हुआ और लाल कपड़ा से ढका हुआ, तो लाल कपड़ा देख के ना मुंह घुमा के चल दिया, इसलिए कि हमको नेतागिरी से लगी है। और उस वक्त जिसकी हुकूमत थी उसका झंडा लाल था, कोई भी पार्टी रहे हमको सियासत से मतलब नहीं, अपने से फुर्सत नहीं, दूसरे के पीछे का रहे।
हमने ड्राइवर को कहा भी कोई नेता आने वाला थे बात बात ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ाया तो पान उठाए थे शायद कूदने के लिए हम घूमे पीछे की तरफ देखा डराम के चारों तरफ जितने नौजवान खड़े हैं दमदम साहब सब टोपी पहन के खड़ा तो मैंने ड्राइवर को कहा गाड़ी में ब्रेक लगा बोला क्या हुआ बोला मुसलमान टोपी पहने हुआ है इसका मतलब नेता नहीं आने वाला नेता आने वाला होता तो मुसलमान टोपी नहीं पहनता बोला क्यों बोला इसलिए कि नेता आके मुसलमानों को टोपी पहनाता है जरूर कोई बात है चल गाड़ी पैक कर दिवस का गाड़ी लाया मैंने एक नौजवान से कहा अरे बेटा इसमें क्या है हम ही को नापने लगा इतना पढ़े लिखे आप पैसा लाना अबे जराम से मेरे इल्म का की कौन सी रिश्तेदारी है वहां वाला बोला आप मोहर्रम में तकलीफ कर रहे हैं आपको पता नहीं डराम में क्या आप क्या पढ़े लिखे अबे क्या बकवास कर रहा है डराम से मेरे इल्म की क्या रिश्तेदारी है बोला आप मौलवी हो ही नहीं सकते आपको पता नहीं डराम में क्या अबे मेरे मौलवियत को चैलेंज कर रहा है 13 बरस अरबी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ कसम खुदा की किसी किताब में बाबुल डराम नहीं आया हम तुमको समझाए तो क्या समझा बकवास मत कर ये बता इसमें है क्या गुस्सा जरा घमंड से गुरूर से कलेजा पीट के बोलता है इसमें दूध का शरबत है मैं तो दूध का कौन मारा छोटा कलेजा कलकत्ता और इतना जादू कब से हो गया बोला क्यों जुमा में हलक फाड़ के इमाम साहब चिल्लाते हैं तो 2 रुपया निकलते हैं और जिसको नहीं देना होगा ना दोनों आंख बंद करके दोनों हाथ पे पड़ेगा ना देखेंगे ना देना होगा ना देखेंगे ना देना हलक फाड़ने के बाद 2 रुपया मिलता है 10-12 ढराम दूध का शरबत कहाँ बनाना कसम खुदा की दूध का शरबत है भाकड़ा वालों तैयार रहना कसम खुदा की दूध का शरबत है अफ्तार भाई बुजुर्ग है दुआ दे हमने कहा मुझको यकीन है हटा कपड़ा देखा शरबत जब कपड़ा हटा के दिखाया शरबत और जब डाल के जब हिलाया ना तो मेरा गुस्सा आसमान पर गाड़ी में से हाथ बढ़ा के ठुको कालन पकड़ के पीछे बोले मारेंगे ना दिन में रात में हम उजाला तुमको खोजते रह जाओगे बोला क्या मतलब बोला ये दूध का शरबत है बोला हाँ बोले पानी कितना बोले 70 किलो बोले चीनी कितनी बोले 10 किलो हमने कहा दूध कितना बोले 1.5 किलो बोले अब फैसला कर तू पागल है कि हम पागल बोले क्यों बोले 70 किलो पानी है पानी का दूध नहीं जाता बदमाश 1.5 किलो दूध है दूध का शरबत कहता है क्या मौलाना इसीलिए ने कहा था कि आप पढ़े लिखे नहीं है हमने कहा क्या मतलब 70 किलो पानी है ठीक है मगर ये यजीदियों के नाम पर नहीं बना है हुसैनियों के नाम पर बना है हमने कहा नहीं समझे क्या समझिए करबला में यजीदी 22,000 थे हुसैनी 72 थे मगर 22,000 कहीं नजर नहीं आते 72 हर जगह नजर आते हैं हर तरफ नजर आते हैं जहाँ देखो वहाँ 72 तो जिस तरह 22,000 पर 72 का रंग चढ़ गया उसी तरह 70 पर 1.5 किलो का रंग चढ़ गया है इसे दूध का शरबत कहा जाएगा तो मैंने नौजवान की पेशानी चूम ली तब तू ने फैसला कर दिया अब भारत में हम 35 करोड़ है अगर हम अपना रंग जमा ले हुकूमत जालिमों के हाथ में नहीं होगी गरीब नवाज के गुलामों के माफ करें और मैं कराम मन के दरअसल कम पढ़े लिखे इसलिए बहुत आम सी बात करते हैं आम तौर पे हम लोग तकरीर सुनते हैं आप भी सुनते होंगे हजरत आप भी सुनते होंगे हजरत आप भी सुनते होंगे 3 दिन से पानी नहीं मिला है घर वाला में तब से ये बात है ना तुमने कहा ए हुसैन हम तो बड़े हैं सालेंगे ये 6 महीना का बच्चा क्या करेगा कम से कम थोड़ा सा यजीदियों से पानी मांग लो असगर के लिए तकरीर करते हैं लोग
बंद करो ये सवाल, बंद करो ये लहजा। जो साकी ये कौसर का नाती होगा वो यजीदी जालिमों से खैरात नहीं मांग सकता। बोलो यार सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो शौक है मशर का लाल होगा वो यजीदी कुत्तों से भीख नहीं मांग सकता। जो पढ़े लिखे उलमा से बैठे हैं यहाँ, आपके जो है इमाम है, आपके जो रहबर है पेशवा है, इन लोगों से पूछिए। 7, 8, 9, 10, 3.5 पढ़िए किताब। एक सेकंड के लिए भी नन्हे असगर को झूला से उतारा गया जमीन पर, किसी किताब में मिला आपको? नहीं मिला, नहीं मिला। एक सेकंड के लिए भी 3.5 दिन नन्हे असगर को जमीन पर नहीं रखा गया। मैंने कहा हुसैन, नन्हे असगर को जमीन पर रख देते कम से कम जमीन की नमी तो मिलती। का नादान कैसे रखता, खलीलुल्लाह के बेटे ने साने काबा ने एड़ी मार दिया तो जमजम निकल गया। अगर रसूलुल्लाह के बेटे कदम मार दिया होता तो कौसर का धारा के भिखारी बना दिया लोगों ने हुसैन। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आया तो रास्ते में कुछ औरतें भी बैठी थी, नहीं समझ में मेरी बात तो उनसे आके पूछ लीजिएगा। 6 महीने का बच्चा देखा है आप लोग? और बच्चा नहीं है का? बोलते क्यों नहीं? हाँ आजकल ये भी बताने वाले भी डरता है कि कहीं हमको अभी बुढ़ा ना समझे। अपना माल है बताने में डर गई। 6 महीने का बच्चा देखा है कि नहीं? क्या सुबह सुबह उठ के बोलता है अम्मा अम्मा पूरी टिकिया है? बोलता है 2 किलो का तरबूजा ना खिलाओ, 2 चटा की जबान लाओ, नहीं ना? नहीं। दोपहर को बोलता है बिरयानी? नहीं। शाम को बोलता है पराठा कबाब? नहीं। रात को बोलता है चाय और रोटी? नहीं। पेशाब लगता है तो बोलता है बाथरूम किधर है? नहीं। अबे बादशाह है, जहाँ मन करेगा वहीं रख देगा। बादशाह है, जहाँ मन करेगा वहीं रख देगा। मानता नहीं है। अब आपकी तवज्जो चाहूंगा, अखरी सुनिए। मानता नहीं, देखिए आप बच्चे की ख्वाहिश भी नहीं है। ख्वाहिश है, ख्वाहिशें हजार है मगर मांग नहीं सकता, तरीके इजहार एक है। तरीके इजहार एक है, पहुंचिए मुझ तक पहुंचिए तब मैं आप तक पहुंच पाऊंगा। भूख लगेगी तो रोएगा, प्यास लगेगी रोएगा, दूध चाहिए रोएगा, पेट में दर्द है रोएगा, सर में दर्द है रोएगा, आंख में दर्द है रोएगा, पाँव में तकलीफ है रोएगा, सर्दी लग रही है रोएगा, गर्मी लग रही है रोएगा, नहाना है रोएगा, एसी चाहिए रोएगा, माँ की गोद चाहिए रोएगा, तेल की मालिश चाहिए रोएगा, दादी का हाथ चाहिए रोएगा, बाप का कंधा चाहिए रोएगा, भाई का दामन चाहिए रोएगा, दादा की आगोश चाहिए रोएगा। वो कह नहीं सकता दादा दादा दादा, बोल नहीं सकता, लेकिन अल्लाह ने माँ को इतना इल्म दिया है कि बच्चा जब रोता है माँ एक नजर देख कर वही काम करती है जिससे बच्चा खामोश हो जाता है, बच्चा खामोश हो जाता है। अब बाकरा वालों जिंदा रहना, करबला के मैदान में 70 शहीद हो गए, अब अकेला हुसैन बचे हैं, अब कोई नहीं है, एक आबिदे बीमार है, 1-6 महीने के नन्हे असगर है, अब कोई बचा नहीं है। तब मेरे हुसैन ने कहा अब मुझे रन पर जाना होगा। खेमे के दरवाजे पर आकर कहा ए बहन जैनब, नाना का ये मामा दे दे
अमीर हमजा का तरकशों का नाम दे दे, बाबा की जुल्फकार दे दे, भाई हसन का ढाल दे दे। तवज्जो दो यार, देखो मेहनत कर रहा हूँ, पानी बहा रहा हूँ मेरे कमे में, पसीना बहा रहा हूँ, मेहनत करो। एक मैं कहूंगा ए जैनब दे दो, अदरक के मामे हुसैन जैसे ही खेमे के दरवाजे पर पान जैना, अब कोई नहीं है नाना का मामा दे। तब असगर के झूले से रोने की आवाज आने लगी, मचलने की आवाज आने लगी। अब बाप ने बेटे को देखा, जबान पे पाबंदी है कह नहीं सकते, तो रोते रोते असगर कहते हैं ए अब्बा खबरदार, अभी दादा की तलवार ना उठाइए था, अभी नाना का मामा ना बांधिए था, अभी हमजा का कमान ना लीजिए था। क्या बेटे क्या कह रहे हो, क्या सत्तर कट गए तो क्या हुआ, अभी असगर बाकी है, अभी भाई मैदान जंग में जाने को तैयार हो। तब हुसैन पाक ने तजुब से कहा ए बेटा तू क्या कर रहा है, तू कैसे चलेगा, तेरा पांव छोटा छोटा है, तेरे हाथ छोटे छोटे हैं, तू करबला की जमीन पर कैसे चलेगा। तो नन्हे असगर और रोने लगे और रोते रोते कहा ए बाबा आज मैं छोटा हूँ तो सवारी का ताना दे रहे हो, कल तुम मदीना में छोटे थे तो नाना के कांधे पर चढ़ कर जाते थे, आज असगर बाबा के कांधे पर चढ़ कर जाए। करबला के मैदान में असगर पानी के लिए नहीं रो रहे थे, शहादत के जाम के लिए रो रहे थे, शहादत के जाम के लिए। हुसैन को समझना आसान है क्या, आसान है क्या? अब मैं एक बात कह रहा हूँ, पता नहीं आप तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। हुसैन को मामूली ना समझना, एक इशारा कर रहा हूँ, अगर समझ जाओ तो मजा आ जाए। मस्जिद नबवी के सहन में हुसैन लड़खड़ाने लगे तो नाना ने खुतबा छोड़कर दौड़कर हुसैन को पकड़ लिया। सुभान अल्लाह, प्यार से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहुंचिए मुझ तक पहुंचिए, अब तकरीर सुनिएगा। पकड़ लिया, गिरने नहीं दिया वो नाना करबला में, हुसैन को कैसे गिरने देते, वो कैसे गिरने देते। कभी मत कहिएगा कि घोड़े से गिर गए, कभी मत कहिएगा। जैसे ही हुसैन 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 घोड़े से जमीन पर आए, तसव्वुर कीजिए नाना आगे बढ़ना, क्या हुसैन बड़ी बुलंदी से नीचे आए, चोट नहीं ना लगी, तुम ने जख्म तो नहीं दिए, करबला की रेत ने तुम्हें तकलीफ तो नहीं दी। जमीन पर आते आते हुसैन ने मुस्कुरा कर कहा नाना अभी आया कहाँ है, अगर गुफ्तगू मियारी सुननी है तो मियारी अंदाज बनाइए। नाना अभी आया कहाँ, नाना जरा बैग चलिए माजी का सफर कीजिए, का कर लिया, कहा नाना काबा है, काबा का दरवाजा है, आप सुबह सवेरे खड़े हैं, अबू जहल सामने से जा रहा है, आपने कहा अबू जहल कब तक भागेगा, अब तो खुदा को एक मान ले, जालिम ने माना नहीं, जमीन पे झुक के पत्थर उठाया, पत्थर उठाकर निशाना लिया, छला के मारा, आपकी पेशानी पर पत्थर लगा, आपकी पेशानी फूट गई, कहाँ हुसैन, का खून बहने लगा, कहाँ हुसैन, जब खून बहकर आपके सीने मुबारक तक आया तब रब ने क्या कहा, क्या रब ने कहा जिब्रील जिस नबी का साया मैंने जमीन पे न रखा उस नबी का खून कैसे जमीन पर मैं देख सकता हूँ, उस नबी का लहू कैसे जमीन पर देख सकता हूँ। मिजाज बनाइए तब मैं बात पूरी करूँगा वरना काट के निकल जाऊंगा, काट के निकल जाऊंगा। या रसूल अल्लाह ए नाना जान बताइए ना, क्या जिब्रील आए थे, कहा हुसैन जिब्रील आए थे और आने से आए और मेरा कतरे खून जमीन पे आने से पहले
जिब्रील ने अपने फलों पे रोक लिया, तब हुसैन ने दोनों हाथों की मुट्ठी बांधी है और मुस्कुरा कर कहते नाना जान वो आपका मर्तबा था कि जब लहू गिर रहा था तो जिब्रील ने अपने फलों पे रोक लिया था, आज पता नहीं जिब्रील आए के नहीं आए, मगर जब मैं घोड़े से जमीन पर आ रहा था तो मेरी नजरों ने देखा माँ फातिमा ने आंचल बढ़ा दिया है, माँ फातिमा ने बोल बढ़ा दिया है, माँ फातिमा ने आगोर बढ़ा दिया है। ए नाना हुसैन वो किताब शहादत है जो कल भी फातिमा के रेहल पर पढ़ी जा रहे थे और कयामत तक फातिमा के रेहल पर पढ़ी जाती है। या हुसैन बोलिए और मोहब्बत से हाथ उठा के बोलिए, यही सब तो है हमारे पास। अरे अफ्ता भाई एक बहुत बड़े जलसे में मैंने कहा हाथ उठा के बोलो या हुसैन, पूरा मजमा उठाया, पूरा मजमा उठा लिया, जलसा खत्म हुआ देख हमको पकड़ लिया, बोला मौलाना क्या हाथ उठवाए, क्या मतलब, बोले हाथ उठाने वाला गिराने वाला क्या सिस्टम आप लोग निकाले, हमने कहा एक हाथी तो बचा है जिसको जब मन में आता है उठा लेते हैं, वरना सर तो तुम लोगों ने करबला में काट लिया था, सर तुम लोगों ने करबला में काट लिया था, हाथ बचा इसलिए हाथ उठाते हैं, हाथ बचा था हाथ उठाते। एक बात मैं समझाऊं आपको, आज समझाऊं, आपका कभी किसी से झगड़ा होता है कि नहीं, हमारा तो होता है, हाँ हमारा तो होता है, होता ही रहता है, हाँ आपको भी झगड़ा होता हो, अगर कोई लाठी डंडा लेके आए, अल्लाह न करे ऐसा हो, मैं आपको समझा रहा हूँ, लाठी डंडा लेके आए पांच छह बच्चों के बाप है आप, तो कमर कस के हाथ में लाठी लेके क्या बोलते हैं, खबरदार मेरे बेटों भी मत निकलना, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, बोलिए ये कहते कि नहीं कहते, ये नहीं कहते हैं अपने बेटों को, क्या कहते रोक, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, पहले हमको देखने दो, ये दुनिया में रस्म चली आ रही है मगर करबला में तुम उल्टा हो गए, 1380 साल हो गए और 1378 साल तक ये मसला हमको समझ में नहीं आया था, 1377 साल तक ये मसला हमको समझ में नहीं आया कि हुसैन की निगाहों के सामने 71 कटे हुसैन ने कैसे बर्दाश्त किया, 1377 साल तक हमको समझ में नहीं आया, बहुत किताब का मुताला किया, बहुत लोगों से पूछा लेकिन नहीं मिला, अचानक 1377 बरस के बाद 2016 में बरेली के ताजू शरिया ने जवाब दिया, बरेली के ताजू शरिया ने जवाब दिया, इस नाम पे तो बोलिए ना, इस नाम पे भी नहीं बोलिए, सुभान अल्लाह, मेरा नाम सैफुल्लाह अली भाई, समझे, जो डंके की चोट में पूरी दुनिया में मैं चिल्लाता हूँ कि वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा, हजार बार बरेली शरीफ जाएंगे, हमारे पीर है जाने से कौन रोकेगा, और आपके लिए जल्दी से बन गया खेल, रजा के नाम का चर्चा है सारी दुनिया में, मन लगे ताकि शेर पूरा हो जाए, रजा के नाम का चर्चा है सारी दुनिया में, रजा का नारा लगाने से कौन रोके, करिया 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 करिया।
تاجو شریعہ ساؤتھ افریقہ گئے, آنکھ میں زخم ہے, ہاسپٹلائز ہو گئے, عیسائی ڈاکٹروں نے ٹریٹمنٹ کیا, کمپیوٹر آپریشن روم میں سونے کے بعد کمپیوٹر شو کر رہا ہے, کلیجہ تھام لیجیے گا, کربلا سمجھنا ہو تو بریلی سمجھو, کربلا سمجھنا ہو تو بریلی سمجھو, دیوبند مت سمجھو, بریلی سمجھو, اس لیے کہ دیوبند کا پہلا ارب دال ہے, بریلی کا پہلا ارب بے ہے, دال سے دوزخ کا پتا چلتا ہے اور بریلی سے بہشت کا یقین ہو جاتا ہے, اس لیے بریلی چلے. کمپیوٹر نے شو کیا, 8 گھنٹہ 35 منٹ آپریشن چلے گا, سرکاری تاجو شریعہ سوئے, عیسائی ڈاکٹروں کا پینل ہے, گروپ ہے, چلا ہاتھ پکڑا ایسے ایسے یہاں کیا, تاجو شریعہ کی تو آنکھیں بند, ڈاکٹر نے ایسے ایسے کیا, تاجو شریعہ نے کہا کیا کر رہے ہو, بولا انجیکشن دینے کی تیاری, بولا کیوں, بولا بہت ڈینجر آپریشن ہے, 8 گھنٹہ 35 منٹ چلے گا, اس لیے آپ کو بے ہوش کرنا ضروری ہے. اچھل کر تاجو شریعہ نے ڈاکٹر کی کلائی پکڑ, کہا میری رگوں میں اعلی حضرت کا خون دوڑ رہا ہے, مجھے بے ہوش مت کر زندگی کے ساتھ. بولا کیا مطلب, ادے پور راجستھان کے ضلع ادے پور میں آج سے 50-60 سال پہلے میرے دادا حجت الاسلام کا آپریشن ہوا تھا, تو اس وقت بھی عیسائی ڈاکٹر نے کہا تھا بے ہوش کر دوں, کہا نہیں, کہ تیرے دادا نے کیا کیا تھا, بولا 35-40 منٹ آپریشن چلا تھا, اس لیے میرے دادا مصطفیٰ جانے رحمت دلاکوں سلام پڑھتے رہے, آپریشن ہو گیا, بے ہوش نہیں ہوئے, بے ہوش نہیں ہوئے. تو عیسائی ڈاکٹر کہتا ہے مولانا بہت میجر آپریشن ہے, 8 گھنٹہ 35 منٹ تک چلے گا, بغیر بے ہوشی کا آپریشن نہیں ہوگا. تاجو شریعہ نے کہا آپریشن کرنا تیرا کام ہے, برداشت کرنا میرا کام ہے, تو اپنا کام کر, میں اپنا کام کرتا ہوں. کہ مولانا یہ کیسے ہوگا, تب تاجو شریعہ نے ڈاک کے ساتھ بغیر بے ہوشی کا آپریشن تھا, اگر 50 برس پہلے دادا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ سکتا ہے, تو آج اسی کا پوتا اختر رضا پڑھے گا, کعبہ کے بدروں کو جا تم پہ کرو گو کرو, کعبہ کے شمسوں کو ہاں تم پہ کرو گو کرو. 8 گھنٹہ 39 منٹ تک آپریشن چلا, جوش نہیں ہوئے. اب میں نے عالم تصور میں کہا میرے آقا تاجو شریعہ زندہ ہو جائیے, ایک بار بول دیجیے زبان, میرے آقا تاجو شریعہ 8 گھنٹہ 39 منٹ آپریشن چلا, آپ کو احساس نہیں ہوا تکلیف کا, کیسے ہوتا, درود پڑھ رہا تھا, گنبد خضرا دیکھ رہا تھا, ریاض الجنہ دیکھ رہا تھا, محراب نبی دیکھ رہا تھا, روضہ رسول دیکھ رہا تھا. اب میں نے کہا 1377 سال سے جس سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا آج مل گیا, کہ جو رسول کا روزہ دیکھے اس کا جسم کبھی خبر نہ ہو. حسین کربلا میں نانا کا چہرہ دیکھ رہے تھے, اولادوں کی قربانیاں ہو گئی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, پیغام کربلا کانفرنس. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر آپ 5-7 منٹ اور میرے وقت میں رہ گیا, میں چاہتا ہوں کہ 5-7 منٹ اور میں آپ کی خدمت کروں, سن لیجئے گا نا, میرے باپ بہت بڑے مقرر ہیں مولانا کفیل خان کا, نئی عمر مت دیکھیے گا, نئی عمر مت دیکھیے گا, یہ نیا دور ہے. آج کل کے بچے نے پرانے دادا سے سوال کیا کہ ہم لوگ سوچ کے ٹینشن میں ہیں کہ آپ لوگ کیسے جیتے تھے. بولا کیوں, بولا نہ موبائل, نہ انٹرنیٹ, نہ فیس بک, نہ واٹس ایپ, کیسے آپ لوگ جیتے. بولا اس دور میں تو ہم اسی ٹینشن میں جی رہے ہیں کہ تم لوگ کیسے جی رہے ہیں. بولا کیا مطلب, کہا نہ مسجد, نہ نماز, نہ قرآن, نہ روزہ, نہ نماز, تم لوگ کیسے جی رہے ہیں, تم لوگ کیسے, فیس بک,
फेसबुक ले मोबाइल दे मोबाइल है ले मोबाइल दे मोबाइल शुरू शुरू जो काम का इस्तेमाल हो काम का माल करो निकालो जो काम करना उसकी तरफ नजर मत करो उसकी तरफ नजर मत करो। एक बात याद रखना सैफुल्लाह अली की कुफ्र के हथियार का नाम बड़ा खूबसूरत होता है काम बड़ा खतरनाक होता है। कुफ्र के हथियार का नाम है जियो मगर हकीकत में मरो। जब से ये लॉन्च हुआ है बेटा माँ को भूल गया शोहर बीवी को भूल गया फुर्सते नहीं है लेके पड़ा हुआ है जियो कौन जियो पड़ा हुआ हुसैनी बनना है तो हुसैनी मिजाज पैदा कर हुसैनी बनना है तो हुसैनी मिजाज पैदा कर खुद जियो दूसरों को जीने का तरीका है। इमाम गजाली अपनी किताब में फरमाते हैं इबादत करने वाला अचानक भाग गया और बोलता है कि हम नमाज पढ़े और हम ही काम करें हम नमाज पढ़े हम ही मजदूरी करें। जब नमाज हम अल्लाह की पढ़ रहे हैं तो अल्लाह हमको खिलाएगा मजदूरी क्या करेंगे। निकल गया जंगल तस्वीर एक अल्लाह हुआ अल्लाह हुआ अल्लाह हुआ नियत दिया कहाँ से रुकी आ रही है किधर से सालाना रहा है तीन दिन चार दिन हो गए एक को दाना कहीं से नहीं एक को कतरा नहीं तो पेट तो खकोरने लगा फुटबॉल का खेल होने लगा भूख का चूहा कुर्दा कुर्दा कुर्दी शुरू कर दिया। अब जंगल में घूम के खोज रहा खट्टा फल भी मिलता तो खा लेते कड़ुआ भी मिलता तो खा लेते कोनो रसदार पत्ता भी मिलता तो उसको चबा लेते कुछ मिल नहीं रहा। चलते 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 एक जगह गया तो देख के हैरान है कि एक लोमड़ी पड़ी हुई है जिसको फालिज मार दिया आधा दर पीछे का बेकार हो गया आगे का ठीक है और लोमड़ी बहुत मस्त में मस्ती में जिंदा है। सोच रहा है कि जंगल में इस लोमड़ी को खाना मिल रहा तब ना ये जिंदा है जब लोमड़ी को खाना मिलेगा तो हमको क्यों नहीं मिलेगा। देखते हैं इसको खाना लेके कौन आ रहा है इंतजार करा जब तक शेर चिंगाड़ा शेर धाड़ा और जब धाड़ा सुना शेर की तो वहां रुकेगा आदमी बोलिए रुकेगा तू तो कलकत्ता वाले लोग हैं जो चिड़ियाखाना देखने जाते हैं तो कूद के उसे हाथ मिलाते हैं कलकत्ता वाले लोग शेर जब धाड़ा तो भागने की जगह खोज रहा है कहीं मिली नहीं तो जिस पेड़ के नीचे लोमड़ी थी ना उसी पे चढ़ गया अब पत्तों के झुंड में छुप गया। शेर आया लोमड़ी से कुछ दूर एक जानवर शिकार करके भर पेट खाया बचे हुए गोश्त को हड्डियों को ठेल ठेल कर ठेल ठेल कर ठेल ठेल कर लोमड़ी के करीब कर दिया। लोमड़ी मुस्कुरा मुस्कुरा के खा गया शेर खा पी के टिकारू कर लेके अंगेठी उंगेठी लेके फिर धाड़ा चल दिया तो धीरे धीरे उतर कर बोलता है या अल्लाह क्या इंसाफ है तेरा कि मफलूज लोमड़ी को तू रोजी रोटी दे रहा है हम तेरी इबादत कर रहे हैं हमको नहीं दे रहा है खाना पीना। तो गैब से आवाज आई नादान अभी मैंने अपने मखलूक की दो जिंदगी तेरे सामने रखी एक लोमड़ी की भी जिंदगी रखी एक शेर की भी जिंदगी रखी। लोमड़ी की जिंदगी यह है कि दूसरों के टुकड़ों पर भरोसा करे और शेर की जिंदगी यह है कि खुद शिकार करके खाए और अपने समाज के लोगों को खिलाए। जिस दिन ये मिजाज पैदा हो जाएगा उस दिन हुसैन का करम मिल जाएगा। हुसैन को मामूली ना समझ ली हुसैन को मामूली ना समझ ली। बस एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ उसकी तैयारी कर रहा हूँ दरअसल दम ठीक ठाक कर रहा हूँ मैं सांस ठीक कर रहा हूँ। हुसैन को समझिए हुसैन क्या है हुसैन क्या सिर्फ नारा लगा देने से दस मुहर्रम को हुसैन नहीं बोले हुसैन मानने वाले नहीं हुसैन मानने वाले नहीं हुसैन को मनाना है तो मस्जिदों को आबाद करो नमाजों की पाबंदी करो
हुसैन खुद राजी हो गया। हुसैन किसको कहते हैं? मूड बनाइए, करबला का मैदान का नहीं बोलिएगा सुभान अल्लाह। इसलिए रहा था तो आप सो गए, 5 मिनट में मैं आपको खड़ा कर सकता हूँ, अल्लाह ने यह ताकत दी है। लेकिन बगैर बरसात के मैं बरसने का आदि नहीं हूँ। हुसैन तो समझे करबला का मैदान है भैया, सुभान अल्लाह। सुने हुसैन पाक ने अपने सर को सजदे कर, सुभान अल्लाह, फिर धक्का धुक्की शुरू हो गई, सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे, सुभान अल्लाह, सब धक्का गाड़ी हमसे नहीं चलेगा, सजदे में सर रखे, सुभान अल्लाह, सजदे में सर, जैसे सर रखा सजदे में तो आंखें खोल दी हुसैन, सजदे में तो आंख तो नीचे है, अगल बगल नजर नहीं आ रहा, तो हुसैन ने कहा किया सर को सजदे में रखो, सांस खींचे, बोला ये खुशबू तो मेरे नाना की है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये खुशबू मेरे नाना की, तकलीफ सुनना है ताजा दम रही है, खुशबू नाना की, हुसैन ने हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ाया, कहे नाना जान, बोला हाँ हुसैन, कहे एक बात बताइए, एक बात बताइए, कहा बोलो, कहा मैंने बचपन में माँ से सुना था कि आपने कभी कहा था कुर्रतु ऐनी फिस सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में, हाँ हुसैन मैंने कहा था, मेरी आंखों की ठंडक, आपने सुनिए, इतना हंसा देगा ना कि सपने में भी मुंह खुला रहेगा, उमर ने कब तक ठंडक पहुँचाया, उस्मान ने कब तक ठंडक पहुँचाया, बिलाल ने कब तक ठंडक पहुँचाया, तलहा ने कब तक ठंडक पहुँचाया, अली ने कब तक ठंडक पहुँचाया, माँ फातिमा ने कब तक ठंडक पहुँचाया, अब्दुल रहमान ने कब तक ठंडक पहुँचाया, अबू जर ने कब तक ठंडक पहुँचाया, क्या क्या मतलब हुसैन नाना बताइए ना, इन लोगों ने कब तक ठंडक पहुँचाया, जब आपकी आंखों की ठंडक नमाज में है इन लोगों ने कब तक, तो हुसैन को नाना जवाब देते, हुसैन जब तक अबू बकर जिंदा थे ठंडक पहुँचाते रहे, उमर जिंदा थे ठंडक पहुँचाते रहे, अली जिंदा थे ठंडक पहुँचाते रहे, बिलाल जिंदा थे ठंडक पहुँचाते रहे, तब जोर से नाना का हाथ पकड़ा, कहे नाना जान सब ठंडक पहुँचाते पहुँचाते चले गए, मगर हुसैन सर को नमाज में कटा रहा है, ये कयामत तक नमाज में रहेगा, हर वक्त नाना को ठंडक देता रहेगा, हर वक्त नाना को आसूदगी देता रहेगा, हुसैन कल भी जिंदा थे, हुसैन आज भी जिंदा, हुसैन कयामत तक के लिए जिंदा, हुसैन जिंदा है। बड़ी लंबी तकरीर हो जाएगी अगर मैं बीच में कुछ बात घुसाऊं तो, मेरे बाद भी नात खानी है, आफ्ताब को भी आना है, तब महताब को आना है, अभी इस उम्र में यह दावत तो अच्छी चीज नहीं है, आप सुभान अल्लाह कहें जरूर। मैं अर्ज ही कर रहा था कि हुसैन कल भी जिंदा थे आज भी जिंदा थे, हुसैन कल भी जिंदा थे, हुसैन आज भी जिंदा है, ये हम लोगों का मामला था, वो आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला है, समझे, ये हम लोगों का मामला था, हुसैन कल भी जिंदा थे आज भी जिंदा। अब सुनिए, हुसैन ने सर पर सजदे में रखा, फिर नहीं बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बीच में आ जाएंगे आप।
आप लोग जितने आदमी जलसा सुन रहे हैं ना, इतने आदमी हम लोग को एयरपोर्ट लेने आते हैं। स्टेशन पर इतने आदमी लेने आते हैं हमको, फख्र नहीं है, गुरूर नहीं है, यही सिंपल है। मैं रहता हूँ पूरे कलकत्ता में, कलकत्ता से बाहर निकलता हूँ, लोगों से खैरात मांग के जुब्बा ऊपर ले लेता हूँ, अपनी औकात में रहता हूँ, ताजिया उजिया नहीं बनता, इसलिए कि जानता हूँ ताजिया साल में एक दिन है, इमामबाड़ा सालों भर नजर आता है। हुसैन ने सर को सजदे में रखा, सुभान अल्लाह, सजदे में रखा। मैंने तसव्वुर में सवाल किया मौलाना दाऊद, ए मेरे हुसैन के सजदा क्यों? अकबर ने तो 3 मील तक मारा था दौड़ा कर यजीदियों को। और एक बात बता दो तारीखी, पैरों तले से जमीन सरक जाएगी। अभी गुजशत साल में देख के आ रहा हूँ, फिर इन साल जा रहा हूँ देखने, फिर मैं जा रहा हूँ करेगा, दिसंबर के महीने में फिर मैं जा रहा हूँ करेगा, गुजशत साल देख के आया। मालूम है आपको जहाँ जंग हुई थी वहां से नहरे फरात कितनी दूरी पर है? हम लोग तो तकरीर करते थे उससे पहले, देखने से पहले, नहरे फरात का पानी नहीं मिला, नहरे फरात पे पारा था, बहुत आसानी से बोल गए। मगर जहाँ पर हुसैन के पास का खेमा था वहां से 24 किलोमीटर दूर है नहरे फरात, 24 किलोमीटर। अब अंदाजा लगाइए हजरत अब्बास की बहादुरी का, अंदाजा लगाइए हजरत अब्बास की बहादुरी का कि 22,000 को 24 किलोमीटर तक खदेड़ते रहे और पानी नारे फरात का लेकर 22,000 से मुकाबला करते रहे। या पास है कौन? तो पहला हर बहन कहता है अली की ताकत वाला पास, दूसरा कहता है 72 का मुहाफिज पास, बोला ये तीसरा मलिक कहता अल्लाह की राह में मिट जाने वाला पास। क्या ये सीन कौन है? क्या ये सीधे रास्ते पर चलाने वाला पास? करबला में हुसैन ने सर को सजदे में, मैंने तसव्वुर में सवाल किया, ए हुसैन ये सजदा क्यों? 48 किलोमीटर हुआ ना, बहुत देर तक यजीदियों को अब्बास ने फंसाया होगा, आपसे पहले 71 जाने गए, अगर एक एक मिनट लीजिए तब भी 71 मिनट हुआ, 71 मिनट में जो 2 रकअत पढ़ ही सकते थे आप, एकदम लम्हे अखीर में सजदा क्यों? तो करबला से आवाज आई, नादान सैफुल्ला अलवी तू क्या समझेगा, ये सजदा रब की इबादत भी है, मेरी जरूरत भी है। मचल जाइए, हमने कहा था हुसैन शरीए इबादत तो समझ में आई, जरूरत समझ में नहीं आई। नादान सुन, जरूरत क्या है? अब उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा, और मैं बीच में अब रुक के बोलने वाला भी नहीं कि आप कुछ बोलिए, बोलना मैं बोलना आपकी जिम्मेदारी है। हुसैन कहते हैं नादान अली भी, अभी मेरी पैदाइश का तसव्वुर भी नहीं था, मेरे बाबा अली जो है बहुत छोटे थे, पाँव पाँव चल रहे थे, मेरी माँ फातिमा नन्हे नन्हे पाँव से सहने काबा में चलती थी, अचानक मेरे नाना कहीं चले गए, एक दिन गुजर गया नाना नहीं आए, एक रात गुजर गई नाना नहीं आए, दूसरा दिन गुजर गया नाना नहीं आए, दूसरी रात गुजर गई नाना नहीं आए, अब तीसरा दिन सूरज चढ़ने वाला है, अचानक मेरी माँ जो अभी नन्ही फातिमा थी, खदीजा की बेटी थी, अभी सिन्ने बुलूक को भी नहीं पहुंची थी, मेरी माँ फातिमा आई है, नन्हे नन्हे कदमों से सहने काबा में रोते रोते कहती है, ए अबू बकर बाबा कहाँ है, ए उमर बाबा कहाँ है, ए उस्मान बाबा कहाँ है? तो सहाबी ने रो रो कर कहा था, ए बिनते मुस्तफा, अगर हमें मालूम होता तेरे बाबा कहाँ है तो तेरे रोने से पहले बाबा को हाजिर कर दे, मगर हमारी आंखें पथरा गई है, हम मुस्तफा जाने रहमत को देख नहीं पा रहे हैं। तब मेरी माँ फातिमा ने ललकार कर कहा था, ए अबू बकर तू तलाश कर सहाबी की हैसियत से, मैं तलाश करूंगी मुस्तफा की बेटी की हैसियत से।
سامنے نکل رہی ہو اے نادان علی بھی میری ماں فاطمہ ننے ننے پیروں سے وہ کبھی اس پہاڑی پہ چڑھی ہے پہاڑ پہ چڑھتے 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 ایک دم آپ کا نیٹورک ٹاور میں رہے چڑھتے 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 تب میری ماں فاطمہ کا دم پھولنے لگا سانسیں جب پھولنے لگی دیکھ سکتے چٹان پہ کھڑی ہو کر میری ماں نے سانسوں کو ٹھیک کرنا شروع کیا ابھی چند لمحے میری ماں ٹھیک کر رہی تھی سانس کو اچانک میری ماں فاطمہ کے کان میں آواز آئی ہے رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی لہرا لہرا کے بولو سبحان اللہ رب حبلی امتی تین دنوں سے بیٹی نے بابا کی آواز نہیں سنی اچانک میری ماں نے جب نانا کی آواز سنی ہے آواز کے سہارے میری ماں بڑھی ہے اور جب میری ماں آگے بڑھی دیکھا میرے نانا کو وہ سجدے میں سر رکھے ہیں اور رو رو کر کہتے ہیں اے پروردگار تیرے مصطفیٰ نے یہ حد کر لیا ہے جب تک میری امت کے تمام لوگوں کو معاف نہیں فرمائے گا تب تک تیرا رسول سر کو سجدے سے نہیں اٹھائے گا اور یہ کیا کہتے رہے رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی بولو ورنہ بھی بولتا رہ جاؤں گا رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی اچانک میری ماں آگے بڑھی اور نانا کے پیٹھ پر ہاتھ رکھا جیسے ہی بیٹی کا ہاتھ پڑھا نانا نے سر اٹھا کر روتے ہوئے میری ماں فاطمہ کی کلائی پکڑ لی اور میرے نانا نے سکھاتا کہا رو کر طرف کر کہا اے فاطمہ تو نے غصب کر دیا میرا سر سجدے سے اٹھوا دیا اگر تم نے نہ اٹھوایا ہوتا تو جب تک میری امت کے تمام لوگ معاف نہ ہوتے تیرا بابا سر نہ اٹھاتا مگر افسوس میری امت کے کچھ لوگ باقی رہ گئے اور تم نے میرا سر اٹھوا دیا اب کربلا کے میدان سے حسین کہتے نانا میری ماں نے آپ کا سر اٹھوایا تھا اب فاطمہ کے بیٹے نے قیامت تک کے لیے اپنے سر کو سجدے میں رکھا ہے جسے بخشوانا ہے بخشوانا مگر مجھ سے ایک واقعہ سن لیجیے میری تقریر ختم ہو مجھ سے ایک واقعہ سن لیجیے سنے بھی ہوں گے تو اس سے کیا ہوگا یاد تھوڑی ہوگا آپ کو سوال ہی نہیں پتا تو یاد یاد ہوتا تو نکاح کی مجلس بیٹھ کے ہم لوگوں کو کلمہ پڑھانا پڑتا نوشا کو کہنا کہو لا الہ منہ تکتا تین مرتبہ امام صاحب پڑھیں گا تو ایک مرتبہ وہ پڑھے گا ہزار بار سنے اس سے میرے باپ کر رہے ضلع جونپور میں شہر قصبہ مچھلی شہر مچھلی شہر میں مسجد ہے جامع مسجد انگریزوں نے کہا توڑ دیں مسلمان جام دے تین سو انیس نابالغ لڑکے لڑکی کو پڑھے لکھے لوگوں نے مسجد میں بند کر دیا دنیا کا آج بھی یہ قانون یافتہ پایا کہ سزا بالغوں کو ملتی ہے نابالغ کو نہیں اگر نابالغ کوئی مرڈر کر دے تو پھانسی کی سزا ہو جائے گی مگر جب تک یہ بالغ نہیں ہوگا قانون کی نظر میں اس کو پھانسی نہیں دی جائے گی یہ ون پینل کورٹ ہے نابالغ بچے بچیوں کو مسجد میں بھر دیا کانگریس دیکھے گا بچوں پہ ترس کھائے گا ان مسلمانوں کو کیا معلوم کانگریس اس لندن کے ہیں جہاں 48 لاکھ بچے ہر سال حرامی پیدا ہوتے ہیں ہندوستان کے جنگل میں گزدہ تھا اس کی خوراک روز ایک کنواری لڑکی تھی علاقے کی ساری کنواری لڑکیوں کو کھا گیا تب ہندوستان کی حکومت نے اس کو لندن کے جنگل میں چھوڑ دیا اخبارات میں خبر آئی کہ تیسرے دن وہ بھوک سے مر گیا کوئی کنواری ملی نہیں اس کو یہ حال ہے لندن انگریزوں نے دیکھا کہ بچے بچیاں ہیں مگر توپ لگایا گولے داغے 319 لڑکا لڑکی کو شہید کر کے مسجد گرا دیا مسلمان پڑھے لکھے تھے ہم لوگوں کی طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے والے نہیں پڑھے لکھے
मुकदमा ठोक दिया, केस चलता रहा 4 महीने। अब फैसले की घड़ी आई, जज ईसाई, ईसाई ने कहा मुसलमानों फैसला भारत के संविधान से चाहिए या अपने खुदा के कुरान से चाहिए। हर मुसलमान ने बेग जबान ने कहा मुझे खुदा के कुरान से चाहिए। ईसाई जिद बोला तब खुदा के कुरान से फैसला यहाँ नहीं होगा, कब्रिस्तान में होगा। उसी कब्रिस्तान में टेबल कुर्सी लगाओ, कल अदालत वहीं पहुंचेगी। अदालत के लोग आए तब जज ने कहा कौन सी कब्र है शहीद की, तो मछली शहर गांव का मुसलमान रोने लगा, कहा योर ऑनर जज साहब शहीद ज्यादा थे, कब्रिस्तान की जमीन कम थी, इसलिए एक एक कब्र में हमने 3-3, 4-4 शहीद बच्चों को दफन किया। क्या कोई भी एक कब्र खोलो, 4 महीने हो गए, कोई भी एक कब्र खोलो, अदालत देखना चाहती है कि शहीद कैसा है। कानूनी खाना पूरी के लिए उलमा से इजाजत लेकर कब्र खोदी गई, एकदम तैयार, तख्ते हटाए गए, मिट्टी हटाई गई, 3 बच्चे उसमें सोए थे, मगर ईसाई जज जैसे ही झांका ना तीनों उठ के बैठ गए और एक दूसरे को धक्का धुक्की कर दिया। हलक के जज पीछे हटा, तीनों फिर सो गए, बोले जल्दी बंद करो, जल्दी बंद करो, बंद कर दिया। कल अदालत में फैसला होगा यहाँ। अब पूरे मुजफ्फरपुर के लोग पहुंचे हैं अदालत, जज ने फैसला सुनाया, ताजिरात हिंद की दफा 302 के तहत तमाम गवाहों और शवाहिद की रोशनी में अदालत ये फैसला करती है कि 319 लड़के लड़कियों को जो कातिल अंग्रेज सिपाही हैं सबको सजाए मौत दी जाती है, मगर एक भी मुसलमान खुश नहीं हुआ, सब मुंह लटकाए। तो ईसाई जज है इतना तारीखी फैसला मैंने दिया, इंकलाबी जजमेंट मैंने दिया, तुमको खुशी नहीं हुई? बोला कैसी खुशी, आप तो वादे को पूरा नहीं कर रहे। क्या मतलब? बोला आपने वादा किया था कि हम फैसला कुरान से करेंगे, मगर ये फैसला तो संविधान का है। सुन रहे हैं ना आप लोग, ये फैसला संविधान का, कुरान का फैसला का। तो जब पसीना पसीना था, शेर पे बैठा था, उठ के खड़ा हो गया, का संविधान का फैसला तो हो गया, कुरान का फैसला ये है कि मैं काफिर हूँ, मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बन। अब मछली शहर, अब देखे कितना मजा आता है आपको। अब मछली शहर के मुसलमानों ने कहा यो रानर ये इतनी जल्दी इनकलाब कैसे। खबर के जो रो रो कर कहता है आज से 3 साल पहले मेरे पड़ोस में एक मौलवी साहब थे जो मस्जिद में इमामत करते थे, फजर की नमाज पढ़ाकर रोजाना मेरे साथ चहलकदमी को निकलते थे, मॉर्निंग वॉक को निकलते थे, कुरान बहुत अच्छा पढ़ते थे और उनका पढ़ा हुआ मेरे दिल पे असर करता था, तो मैं पढ़ा लिखा अकलमंद आदमी था, मैंने अपने साथी मौलवी साहब से कहा अगर मुझको तुम अरबी पढ़ा दो ना तो मैं भी कुरान पढ़ना शुरू कर दूंगा। मौलवी साहब ने 2-4 महीने में मुझको अरबी पढ़ाया, मैं बहुत टैलेंट था, बहुत बासलाहियत था, बहुत जहीन था, चंद मिनटों में महीनों में मैंने अरबी पढ़ लिया। अब एक दिन मौलाना ने कुरान ला कर दिया, अब मैं कुरान पढ़ने लगा, बाकड़ा वालों मेरी मेहनत पे पानी मत फेरना, मैं कुरान पढ़ने लगा, सूरह फातिहा खत्म किया, सूरह बकरा शुरू किया। आफ्ताब भाई पढ़ते 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 ऐ लोगों मैं एक पारा खत्म कर दिया, अब मैंने दूसरा पारा शुरू किया और जब दूसरा पारा पढ़ते पढ़ते मैं कुरान की सागियत पर पहुंचा, वला तकुलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह जिसकी जान निकल गई हो जिंदा है, जो बेरूह था वो जिंदा है, जिसको कत्ल कर दिया गया हो जिंदा है। ये कुरान सच किताब नहीं हो सकती, मुर्दा को ये किताब जिंदा कह रही है। मैंने गुस्से में किताब लपेट कर रख
दिया। 3 साल के बाद तुम्हारा मुकदमा जब शहीदों का आया है तो मुझको कुरान चेक करने का मौका मिला, तो कल जो कब्रिस्तान गया था तो वो मैं मुकदमे के लिए नहीं गया था, खुदा के कुरान को चेक करने गया था। तो मछली शहर के लोगों ने कहा कैसा पाया, क्या जैसे ही तुमने कब्र खोला वैसे ही शहीद बैठा हुआ था। तो मेरे दिल ने कहा कुरान सच्चा है, कुरान वाला सच्चा है, कुरान पढ़ने वाला सच्चा है। तो मैंने वही फैसला कर लिया कि जब भारत का शहीद ऐसा है तो करबला का शहीद आज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस, अजमत शहदाए करबला। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बस ये चंद बातें थी जो मैंने अर्ज किया, याद रखिए, मिलजुल के रहिए, इत्तेहाद मोहब्बत के साथ रहिए, उलमा की इज्जत कीजिए, उलमा की इज्जत कीजिए। हजरत इमाम मोहम्मद ने जिन ख्वाब देखा कि इनके मोहल्ले का एक आदमी जन्नत में घूम रहा, दौड़ के उसको पकड़ लिया, बोला तू जन्नत में? बोला हाँ। बोला कैसे? तू तो इतना बड़ा इबादत गुजार नहीं था, जन्नत में कैसे इंटरव्यू लिया? बोला हुजूर, दुनिया में एक आलिम की इज्जत कर लिया तो अल्लाह ने उसी के सबके में जन्नत। इतना देखे तो आंख खुल गई इमाम मोहम्मद की, आंख खुल गई। सुबह हुई तो उस आदमी को खोज रहे, पहचानते थे, जिंदा तुम्हारा नहीं था। बोला रात मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा है, बता तू किस आलिम की इज्जत किया और कैसे किया? तो आदमी रो रो कर कहता है, कभी कभी नमाज पढ़ने चला जाता, दरियाए दजला के किनारे वजू करने बैठा तो मेरे दाहिने से पानी बाएं जा रहा, और इतना मसला तो जानता हूं कि गुनहगार वजू करता है तो जैसे जैसे वजू करता है उसके गुनाह के धब्बे गिरते रहते, और परहेजगार वजू करता है तो नेकियों के कतरे पड़ते। मैं गुनहगार बदकार से आकार वजू कर रहा, अभी हाथ ही धोया था कि मेरा मुंह मेरे बाएं गया तो देखा बगदाद शहर का बहुत बड़ा आलिम मेरे बाएं बैठा है, तो मैं कांप गया कि मुझ गुनहगार का धोवन आलिम को लगे, मैं सबसे पैर तक कांप गया, और जल्दी से मैं अपनी जगह से उठ गया और उस आलिम के बाएं जाके बैठ गया, मेरा धोवन उसको न लगे, उसका नूरी धोवन मुझको लगे। इबादतों वाला गुसाला उसको लगे। यही तो मैंने किया है। इमाम मोहम्मद ने रोते हुए कहा, भाई जरा उस आलिम का नाम बता ना जिसकी तूने इज्जत किया है, मैं भी इज्जत करके कम से कम जन्नत तो परमानेंट कर लूं। तब उस गरीब ने इमाम मोहम्मद का हाथ थाम कर कहा, सरकार वो कोई और नहीं था, आप ही थे। तो मस्जिदों के इमामों को मामूली ना समझा करो, मामूली ना समझा करो, उनकी इज्जत करो, हुकूमत मत जतलाओ। इमाम साहब रखे हैं आप, इमाम साहब रखे, इमामत का मनसब बहुत ऊंचा है, उसके नीचे ही सब कुछ है, उसके नीचे ही सब कुछ है। इमामों की इज्जत करो, आलिमों की इज्जत करो, बाकी सारे लोगों की इज्जत करो, इत्तेहाद के साथ रहो, मोहब्बत के साथ रहो। याद रखना, जब तक तस्बीह के दाने धागे में मुत्तहिद रहते हैं तब तक उसको तस्बीह कहा जाता है, लेकिन धागा टूट के बिखर जाए तो कोई तस्बीह नहीं कहता, ताना कहता। तुम भी मुत्तहिद रहो ताकि जमाना तुमको मुसलमान और इस्लाम कहता रहे, बिखर जाओगे तो ताना समझ कर ठोकरों से मार देगा तुम्हें। हुसैन ने यही इत्तेहाद दिया, और आखिरी जुमला यह है कि जीने की तमन्ना मत करो, मरने की तमन्ना करो। जीने की तमन्ना करोगे मर जाओगे, मरने की तमन्ना करोगे बच जाओगे। यजीद ने जीने की तमन्ना की मर गया, हुसैन ने मिटने की तमन्ना की आज तक जिंदा, आज तक जिंदा। इसलिए कमेटी के नौजवानों को, लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, आप लोगों को भी मुबारकबाद दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं तकरीर कर गया तो लोग भाग जाइए, जी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
आफ्ताब को भी सुनना है, महताब को भी सुनना है और लोगों को सुनना है। मौलाना खतीब एक नौजवान खतीब है मेरी जमात के, उनकी तकरीर भी सुननी है आपको।